Morning, dear students. Today we will start with English grammar. The very first chapter of our book. The name of the chapter is the sentence. Sentence होता क्या है? जैसे हमारे पास example है. I am Naveen. मैं Naveen हूँ. Jeet is my brother. Jeet मेरा भाई है. The book is on the table. जो book है वो table पर है. These groups of words make complete sense. अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एक सेंस बनती है, इसका कोई मतलब है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं. ये हमारे पास डेफिनेशन है सेंटेंस की. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होती है, उसकी कंप्लीट सेंस होती है और इन द एंड में उसमें कोई ना कोई एक साइन जरूर होगा जो लाइन को ख़त्म करता होगा. देन ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये जो सेंटेंस है वो है कि नहीं है. जैसे हमारे पास फर्स्ट है इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में क्या है? कोई सेंस नहीं ना बन रही. इन द ड्राइंग रूम व्हाट, तो क्रॉस आएगा. देन टू मी दी गिव ही बुक, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा तो क्रॉस. द माउस इज ईटिंग चीज. अब देखो इसकी सेंस बन रही है ना, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड विद द फुल स्टॉप. ऑल्सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मतलब बनता है कि चूहा जो चीज़ खा रहा है. लेफ्ट द फील्ड, यस ये जगह छोड़ो, फैक्ट है. द बेबी इज लाफिंग, बच्चा हंस रहा है. इज मीता स्टडिंग लाइब्रेरी, सी इज, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा तो क्रॉस. दिस पेन बिलोंग्स टू महिमा, टिक. द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस, इसका भी मतलब है तो टिक्स डालेंगे. अब इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ फिलिंग इन दी ब्लैंक्स है. जैसे है हमारे पास ये फर्स्ट है, रीराइट करके लिखना है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अब इसका हम कंप्लीट मीनिंग बनाना है कि इसके हमें समझ में आना चाहिए. जैसे हमारे पास फर्स्ट है सन इन राइजेज दी ईस्ट दी, इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जब हम इसको लिखेंगे सन राइजेज इन दी ईस्ट तो अब इसका मतलब पता चल रहा है ना. अ सेवन डेयर डेज आर इन वीक, इसकी कोई सेंस नहीं है. हमने रीअरेंज किया तो क्या आ गया? देयर आर सेवन डेज इन अ वीक. नेक्स्ट वंस टाइम अपॉन टाइम वंस आर देयर आर किंग वाज, इसका भी कोई मतलब नहीं है. अब हम वर्ड्स को फिर से रीअरेंज करेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है जहाँ पर एक किंग रहता था. मीता सिस्टर्स आर रीता एंड, इसको हमने रीअरेंज किया. मीता एंड रीता आर सिस्टर, वो दोनों बहने हैं. लव टू गो आई टू दी लाइब्रेरी, तो इसको हमने रीअरेंज करके क्या लिखा? आई लव टू गो टू दी लाइब्रेरी. बॉयज प्लेइंग दी आर इन गार्डन, बॉयज आर प्लेइंग इन दी गार्डन. फिनिश माई आई होमवर्क अदर्स बिफोर, इसको भी रीअरेंज कर दिया. आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर अदर्स. देन वी हैव लास्ट वन, ट्यूजडे ऑन माई बर्थडे इज, माई बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे. थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे.